पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के तत्वावधान में 4 से 10 नवंबर 2022 तक संयंत मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में खेली जा रही 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 प्रतियोगिता के सातवें और अंतिम दिन खेले गए फाइनल मैच में दक्षिण पश्चिम रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे को 22-25, 25-20, 25-17 एवं 25-14 अंकों से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। दक्षिण मध्य रेलवे को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं संरक्षक पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ चंद्रवीर रमन ने विजेता एवं उपविजेता तथा तीसरे स्थान पर रही टीम को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरे जोश एवं उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया और पूरी प्रतियोगिता के दौरान खेल भावना का प्रदर्शन किया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। खेल भावना के साथ खेली गई इस प्रतियोगिता का गोरखपुर सहित पूर्वांचल के लोगों ने काफी आनंद लिया। अंत में महाप्रबंधक श्री रमन ने प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महासचिव एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने महाप्रबंधक सहित वरिष्ठ रेल अधिकारियों, खिलाड़ियों, कोच एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान अनुशासन बनाए रखने के साथ उच्च स्तरीय खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रतियोगिता के विजेता दक्षिण पश्चिम रेलवे एवं उपविजेता पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ियों को बधाई दी। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र, अध्यक्ष नरसा योगेश मोहन, प्रमुख विभाग अध्यक्ष एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। फाइनल मैच के आरंभ में पहले सेट में पूर्वोत्तर रेलवे पूरी तरह से हावी रही और आरंभ से ही अंक अर्जित करती रही। हालांकि दक्षिण पश्चिम रेलवे के खिलाड़ी भी अपनी टीम के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। अंततः यह सेट पूर्वोत्तर रेलवे ने 25-22 से अपने पक्ष में कर लिया। दूसरे सेट में दक्षिण पश्चिम रेलवे ने अपनी बढ़त बनानी शुरू की, जिसे अंत तक बनाए रखा और यह सेट 25-20 से जीत लिया। तीसरे सेट में दक्षिण पश्चिम रेलवे के तेज तर्रार अंशवल ने अपने शानदार स्मैश एवं ब्लॉक से निरंतर स्कोर किया और यह सेट भी 25-17 से अपने पक्ष में कर लिया। चौथे सेट में भी दक्षिण पश्चिम रेलवे ने तेजी से अंक बनाए और सेट 25-14 से जीत कर चैंपियनशिप जीत ली। अश्वल के अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम रेलवे के एस पांडी, कप्तान हरिप्रसाद, वरुण, सुधीर तथा पूर्वोत्तर रेलवे के विकास, नवीन, अतुल कप्तान, गुरु, अभिलाष तथा शिवेंद्र ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने बताया कि रेलवे स्पोर्ट्स को वैल्यू करती है, खेल में टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, उनके बीच हार जीत लगा रहता है। उन्होंने विजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि विजेता टीम से उम्मीद करता हूं कि अगले टूर्नामेंट में इससे भी अच्छा खेलेंगे। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से लोगों के अंदर हिम्मत, मजबूती और काम करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए रेलवे खेल को बहुत ही महत्व देता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने कहा, हां 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 हां
या कोई खिलाड़ी आ जाए।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो जो रेलवे जो है स्पोर्ट्स को बहुत वैल्यू करती है, और इसमें जो है ठीक कुछ टीम तो जीतते हैं, कुछ टीम पार्टिसिपेट बहुत सारा टीम करती हैं, बट एक स्पिरिट ऑफ जो है टीम वर्किंग की आती है, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा चीज़ है। और रेलवे का स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है, तो मैं इस ओकेजन पर जो टीम जीते हैं उनको बधाई तो देता हूँ, और जो पार्टिसिपेट उनको भी बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ अगले टूर्नामेंट में और अच्छा करेंगे और प्रथम स्थान लेंगे। सर बाकी युवाओं के क्या संदेश देना चाहेंगे खेल के माध्यम से? खेल के माध्यम से देखिए, खेल की ऐसी चीज़ है, खेल के माध्यम से लोग जो है एक डिसिप्लिन आती है लाइफ में, एक टीम स्पिरिट आती है, कंस्ट्रक्टिव काम करने की प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम लोग रेलवे जो है इस दिशा में बहुत ही महत्व देते हैं खेल कूद को।